पवित्र उत्कल दिवस को नहीं सारा राज्य उत्सव मुखर हो उत्कल दिवस अवसर में राजभवन सम्मुखे उत्कल गौरव मधुसूदन दास प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। आज दिन की प्रति ओडिया गर्व गौरवर दिन ओडिया जातिर अस्मितार सुरक्षा और स्वतंत्र ओडिया प्रदेश गठन पर संघर्ष करशार सही बरपुत्र प्रणाम कर राज्यपाल समस्त मिलमिशी ओडिशा को एक नंबर राज्य भाव में गढ़ा एकमात्र लक्ष्य रहा आवश्यक राज्यपाल कहते आज उत्कल दिवस अवसर में उत्कल सम्मिलन समिति विभिन्न अनुष्ठान राजनैतिक दलों पक्षर् उत्कलमणि मधुसूदन दास गोपबंधु दास महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव महाराज कृष्णचंद्र गजपति अनेक बरपुत्र मन पकाउं प्रतिमूर्ति माल्यार्पण राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल उत्कल दिवस अवसर में राज्यवासी को शुभेच्छा जनाइबा सह उत्कलमणि प्रतिमूर्ति माल्यार्पण ओडिशा गठन करी तांकर जो अवदान अतुलनीय तांकर दिग्दर्शन सबुबले मन रहिबो बोली राज्यपाल कहिछन्ति। ओडिशा को जो हमें प्रदान किया उसका नाम है मधुसूदन दास और आज हम सब मिलकर प्रतिदिन की तरह प्रति क्षण की तरह प्रति पल की तरह आइए उत्कल जननी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः आशीर्वाद प्राप्त करें कि ऐसे मधुसूदन हमको लगातार उत्कल प्रदेश के उत्कर्ष के लिए वो भेजते रहे। आगामी दिन रे हमें समस्त एक ही ओडिशा को एक नंबर राज्य रे परिणत करिबा भारतवर्ष रे ये आह्वान ये विश्वास ओडिशावासी को रखुची सब स्पीयर रे सब जगह रे हम उपस्थित समस्ते अनुभव करचंती आउरी अनुभव करिवे। उत्कल दिवस अवसर में राज्यवासी को शुभेच्छा जनाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रचुर प्राकृतिक संपद और दक्ष कर्मठ लोकशक्ति आधार में आम ओडिशा ग्रोथ इंजिन होवे आवश्यकता रही सेपरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर एही दिन आम प्रगति में ओडिशा जनसाधारण एवं संस्कृतिर समृद्ध अवदान को जानिबार अवसर बोली शुभेच्छा ट्वीट रे उल्लेख करिछन्ति मोदी। उत्कल दिवस अवसर में राज्यवासी को ट्वीट कर अभिनंदन जनाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा दिवस रे समस्त आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन में बरेण्य साधक मानू मोर यही अवसर में आंतरिक शुभेच्छा आसंतु ओडिया जातिर अस्मिता और स्वाभिमान को बजाय रखी एक नुआ ओडिशा एवं उच्चाकांक्षी ओडिशा गठन दिगरे काम करने को संकल्पबद्ध होगा। ओडिशार जनसाधारण को उत्कल दिवस शुभेच्छा जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाषा भित्तिर गठित ओडिशार शुभेच्छा जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सेपरि उत्कल दिवस अवसर में राज्यर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र कार्यक्रम पालन करे सुदूर ताइवान ने पालन हो उत्कल दिवस ताइवान राजधानी ताइपेई रे ओडिया समाज पक्षर् उत्कल दिवस पालन ताइवान विभिन्न स्थान में रहुवा 50 अधिक ओडिया एकाठी हो दिवस को पालन करी अवसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत समवेत वंदे उत्कल जननी गान कर 2022 मसीह सात जन कमिटी मेंबर को नहीं ताइवान ओडिया समाज गठन परठार ओडिशार पर्वपर्वाणी को पालन करसुच्छे ताइवान विभिन्न प्रांत में शताधिक ओडिया बसवास करुवा बेले नुआखाई पर्व पालन कर उत्कल दिवस उपलक्षे आंतर्जातिक बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक पुरीर बेलाभूमि बालुका कला निर्माण करिछन्ति वंदे उत्कल जननी थीम को आधार करी ओडिशार प्रतिष्ठा दिवस रे ओडिशार कला संस्कृति नैपुण्य एवं वीरत्वर गाथा को बखाणी बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक बालुका कलारे ओडिशार प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर श्रीमंदिर सहित समुद्र रे अर्ली ब्रिडले कईछों स्थानित देवा सहित ओडिशार प्रसिद्ध ओडिशी नृत्य को अति सुंदर भाव में दर्शाई बालुका कलाटी 8 फुट उच्चता और 20 फुट ओसार विशिष्ट होता बेले एथेरे 20 टन बाली उपयोग बालुका कला को निर्माण करने को सुदर्शन को 6 घंटा समय लगता सारा ओडिशावासी एवं समस्त ओडिया मानू वंदे उत्कल जननी एवं उत्कल दिवस अभिनंदन जनाई सुदर्शन पटनायक। उत्कल दिवस अवसर में आम बालुका चित्रकला मध्यम आम अभिनंदन जनाऊ ओडिशा एवं ओडिशा बाहर समस्त ओडिया मानू आमर प्रणाम एवं
अभिनंदन वंदे उत्कल जननी। कटक जिला सत्यभामापुर उत्कल गौरव मधुसूदन दास जन्मपीठ परिदर्शन करिसेंति 5T सचिव वीके पांड्यान आज सकाळ सकाळ 5T सचिव मधुबाबूंक जन्मपीठ परिदर्शन करिबा सह पीठर उन्नति संपर्क में समीक्षा करिसेंति। ए अवसर में विभागीय सचिव समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थिले। मधुबाबूंक श्रद्धांजलि अर्पण करने सहित यार विकास संपर्क में स्थानीय लोक एवं प्रशासन सहित आलोचना करिथिले। 5T सचिव 5T कार्यक्रम रे विकास काम हेबो। एप्रिल 15 सुधा प्लान प्रस्तुत करा जाई मुख्यमंत्रीकर अनुमोदन निमन्ते उपस्थापन करा जिवो। मधुबाबूंक जन्मपीठ रे एक संग्रहालय प्रतिष्ठा करा जिवो। मधुबाबूंक 100 वर्ष पुरणा उभय जन्मपीठ एवं कर्मभूमि को एक सिंगल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स भाबरे विकसित करा जाई एई ऐतिह स्थल रो संरक्षण करा जिवो। जन्मपीठ एवं कर्मभूमि को संयोग करथुबा गळी रास्तार उन्नति करा जाई एहार पुनरुद्धार करा जिवो। कुहा जाए मधुबाबूंक मां एही रास्तारे ही जन्मपीठरु तांको पई कर्मभूमि स्थान को प्रतिदिन खाद्य नहीं आसुथिले। एठारे लाइट एवं साउंड स्टोर व्यवस्था मध्य करा जिवो। एथिरे मधुबाबूंक गौरवमय जीवनी तांकर कीर्तिर व्याख्यान करा जिवो। ओडिशा एवं ओडिशा बाहर आसुथिबा दर्शक मानक सुविधा पई बहु भाषी व्याख्यानर व्यवस्था रहिबो। मधुबाबूंक जीवनी ऐतिह स्थल सह जड़ित सबु संपृक्त व्यक्ति सहित आलोचना करा जाई ई संग्रहालय विकास करा जिवो। कामर मानक अति उच्च कोटीर करबा पई योजना करबा को वीके पांड्यान निर्देश दैछथि। मधुबाबू होचंति ओडिशा पई गोटे बड़ इंस्पिरेशन क्रिश्चियन धर्म को नहीं थे से बापा पुरई दे नथिले तेणुक सीए टिके दूर से 100 मीटर दूर से गोटे अवस्थान या कि प्रतिदिन खाइबा खाइबापी दवापी गोटे छोट चलावाटर से जाते खायापी से यही सब सब कहानी अच्छी सी जहाँ ये सब करते से जनाहला आमर 5T सचिव को जनइलु से बहुत खुशी हेले एवं यार उन्नति पई आमको निर्देश दैछो। कटक 6th बटालियन ठारे थिबा पुलिस बडियारे